हेलो गाइस, वेलकम टू इन जीके गुरुजी। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपको हेल्पफुल हो सकता है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और कुछ भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इस प्रोडक्ट के ज़रिए आप अपने एफर्ट को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलता है प्रोडक्ट। यह है मेन प्रोडक्ट का बॉक्स, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट के बॉक्स पे यहाँ पे लिखा हुआ है वन बाय वैकॉम, और यहाँ पे एक दो चीज़ दी हुई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है गाइस। और पीछे क्या है, तो पीछे यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया गया है कि यहाँ पे क्रिएटिव पेन टेबलेट है। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ मिलता है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे हमको क्या मिलता है, ठीक है गाइस। ऐसे इसको स्लाइड करके निकलना रहता है इसको। ओके, नाउ दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, एंड इसको ओपन करते हैं। ओह ग्रेट, बड़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, रेड कलर में और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। यह है इसका मेन टैब, इसको साइड में रखते और देखते और क्या क्या एसेसरीज इसके साथ में हमको मिली है। तो पहले मिली हमको ये USB A2 माइक्रो USB केबल, ठीक है। और इसमें क्या है, एक यूज़र गाइड है, देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी, इसको साइड में रख देते हैं। और एक और बॉक्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, तो ये है क्या इसमें वो देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे है इस पेन टैबलेट पे लिखने के लिए एक पेन, ठीक है। तो यह इसका पेन, यहाँ पे दो बटन देखने को मिलते हैं हमको। यहाँ पे वैकॉम की ब्रांडिंग है और ग्रिप में भी लग रहा है कि ठीक ही है, अच्छा है ग्रिप में भी, इसको देखते हैं अभी बाद में। पहले यहाँ पे एक और चीज़ हमको मिली है, वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, ये क्या है, तो पहले इसको खोलेंगे हम। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लीड दी गई हुई है और लीड को बाहर निकालने के लिए एक टूल दिया गया है, देख सकते हैं आप इस तरह पर। ओके, तो इस तरीके से मिलता है कुछ ये प्रोडक्ट। और अब बात करते हैं मेन टैब के बारे में। इस तरीके से कुछ ये मेन टैब मेरे को मिला है यहाँ पे। अब इसको यहाँ से इसका वेपर हटाते हैं। अच्छी तरह पैक किया हुआ है, ये रेड कलर में मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे ब्लैक कलर में है। आप यहाँ पे डॉटेड जो डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे इसका वर्किंग एरिया है। आप ये डॉटेड लाइन्स आपको जो यहाँ पे दिख रही है, वो उस पर आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है। तो ये है टैब, मेन टैब, ये है पेन, और इसके साथ में हमको और क्या क्या कुछ मिला है, तो ये वायर, ये USB केबल और ये लीड, इतनी चीज़ हमें इसके साथ में मिली। अगर आप चाहे तो इस पेन को यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करके रख सकते हैं, जब भी आप इसको यूज़ करें तब यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं, इसको गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे एकदम फिट है यहाँ पे। अब इसको सेटअप करते हैं और देखते हैं कि
कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। ये है मेन टैब जो इस तरीके से कुछ हमको मिला है यहाँ पे। अब इसको इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे हम, तो इसके साथ में हमको मिली है ये केबल, USB A2 माइक्रो USB केबल है ये। इसको यहाँ पहले इंजेक्ट करेंगे और इस पोर्ट को हम यहाँ पे USB पोर्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक वाइट कलर की LED यहाँ पे ग्लो कर रही है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये टैब अब ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि इसका वर्किंग एरिया यहाँ पे जो डॉट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उस पे इसका वर्किंग एरिया है। ये है मेन टैब और इसके साथ में हमको मिली है ये पेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पे दो बटन भी है यहाँ पे, और इसको इस बटन को आप वेकॉम के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको सेटअप भी कर सकते हैं। आप जो चाहे इस पे वर्क आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इस पेन की मदद से हमको इस पैड पे लिखना है, और मैं आपको बता दूं कि इस पैड पे इफेक्टिव एरिया जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है वहीं इसका इफेक्टिव एरिया है, उस एरिया में ही आपको लिखना है। तो जिस तरीके से मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपने इम्पोर्टेंट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप इस टैब का यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के एग्जांपल वन नोट में यूज़ कर सकते हैं, वर्ड पैड में यूज़ कर सकते हैं। तो टैब के साथ जो आपको पेन मिला है उस पे आपको दो बटन दिए गए हैं। अगर वो बटन को आपको सेटअप करना है तो पहले वेकम का ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे वेकम की साइट पे हूँ, यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है वेकम का, वो यहाँ पे मैंने ख़रीदा CTL 472, तो मैं यहाँ पर वो टाइप करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप मैक OS यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने हैं। मेरा PC विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे कंफर्म डाउनलोड आपको दे देना है इसको। ये वेकम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सेटअप करना है आपको। ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आपको देना है एक्सेप्ट। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, हमको रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, हम बाद में हम इसको रिस्टार्ट करेंगे। अब हमको जाना है सीधे इसके ड्राइवर में, वेकम के डेस्कटॉप में। तो गाइस वेकम का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, और मतलब कि ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करना है वेकम टैबलेट प्रॉपर्टी। ये ओपन करेंगे तो आपको इसमें ये सब ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया कि यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं उसको कस्टमाइज आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के बटन के लिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है इरेज, एंड नीचे के बटन के लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा है अंडू। आप यहां पे कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहां पे बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी। यहां पे अगर क्लिक्स करना चाहते हैं तो माउस की राइट क्लिक, मिडल क्लिक और कुछ भी रख सकते हैं यहां पे। कीबोर्ड में भी ऑप्शन है यहां पे, नेविगेशन के लिए भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के लिए भी आप यहां पे सेट कर सकते हैं। तो यह तो रही है बटन्स की बात, और आप यहां पे जो इसकी टिप है, जो इसके साथ पेन आई है उसकी टिप है, उसको आप सॉफ्ट या फर्म किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। और एक करंट प्रेशर है, अगर अभी मैं हाथ में पेन उठा के मैं अभी टैप पे रख रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे वो इंडिकेट करेगा कि मैं कितना यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये प्रेशर कितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं।
ठीक है गाइस, तो टिप डबल क्लिक डिस्टेंस, तो डबल क्लिक का डिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहें, ठीक है। और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये अनबॉक्सिंग एंड क्विक लुक आपको पसंद आया होगा। तो इसी टेप का यूज़ हम करने वाले अपने आने वाले वीडियो में, और देखेंगे कि क्या है इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।